और इससे भी बड़ी बड़ी मूर्खताएं मैं देखता हूं। कोई अधकचरे हिंदुस्तानी माने आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तानी के घर में जाऊं तो इंप्रेशन जमाने के लिए माने रॉब जमाने के लिए अंग्रेजी झाड़ेगा, हाँ भले गलत सलत लेकिन झाड़ेगा जरूर, रॉब पड़े उसके ऊपर। वो क्या कहेगा, हिंदी में भी बोल सकता है वो बात नहीं बोलेगा, वो कहेगा ओ राजीव दीक्षित शी इज माई मिसिज। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसिज, क्योंकि उसको मिसिस का अर्थ नहीं मालूम। मिसिस का अर्थ जानते हैं क्या है, हर देश की अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति होती है तो उसमें से निकले हुए शब्द की भी अपने इतिहास और संस्कृति की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड की सभ्यता कैसी है मालूम है, इंग्लैंड की सभ्यता में एक सबसे खराब बात है जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष जिंदगी भर साथ कभी भी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे वो एक दूसरे को बदलते रहते हैं। एक पुरुष की 20 स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के 20 पुरुष हो सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं इंग्लैंड और यूरोप में जिनकी 40-40 शादियां हुई हैं, 41वीं करने को तैयार, ये उनके यहां चलता रहता। इसको उनकी भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन। तो एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है, एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है। तो पत्नी को छोड़कर जितनी स्त्रियों से संबंध रखने वाले होते हैं वो सब मिसेज में जाते हैं, माने मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर में रात को सोएं वो मिसेज होती है, पत्नी को छोड़कर। अब यहां धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे हुए हैं, मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से पैदा हो। मिस्टर का मतलब उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताएं वो मिस्टर होता है, यहां पति को मिस्टर बनाने में लगे हो। छोड़िए इन अंग्रेजी शब्दों को, इनमें कुछ दम नहीं। और एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्द है, पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं उसको, मैडम। आप जानते हैं मैडम कौन होता है यूरोप में, अंग्रेजों की संस्कृति में जहां पर परिस्त्री गमन होगा वहां वैश्यावृत्ति होने वाली है कि नहीं, परिस्त्री गमन पर पुरुष गमन वैश्यावृत्ति चरम पर होगी। तो वैश्याएं जो अपने कोठों को चलाती हैं, अपने वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई वैश्याओं की जो प्रमुख वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हिंदुस्तान में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं, ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे हैं। अपनी धर्म पत्नी को मैडम कहने में शर्म नहीं आती, ओ मैडम इधर आओ, और वो धर्म पत्नी को भी शर्म नहीं आती मैडम कहलवाने में, वो भी कहती है मैडम कहो मुझको, जान तो लो कि मैडम होती कौन है, फिर कहलवाओ। अपने भारत में कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, बुद्धि माने सरस्वती लक्ष्मी। तो जहां सरस्वती लक्ष्मी एक साथ निवास करे वो श्रीमती, उसको हमने मिसेज बनाया। ये मूर्खाधिपति हमारे देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे, इन्होंने बड़ा सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया इस देश का, इस अंग्रेजी भाषा ने किया, फिर इन्होंने और ज्यादा किया। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस अंग्रेजी भाषा में मत फंसिए, कुछ इसमें रखा नहीं है, दम नहीं है। कभी कभी तो मैं लोगों के घरों में जाता हूं, इतना गुस्सा आता है मुझे, कभी कभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माता पिता कहते हैं देख बेटा अंकल आए हैं जरा पोएम तो सुना। मैं कहता हूं भाई मैं अंकल नहीं हूं, मुझे या तो मामा बना लो या चाचा बना लो, दोनों में ही आपका फायदा है, मेरा भी फायदा है, मामा बनो तो भी फायदा, चाचा बनो तो भी फायदा, अंकल में तो कुछ रखा नहीं है। फिर उनके माता पिता को कहता हूं ये आप इनको पोइम क्यों सुनवाते हैं, कविता सुनवाओ ना, तो उनको पोइम और कविता का अर्थ ही पता नहीं है, पोइम अलग है कविता अलग है। अब वो बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से और पोइम सुनाते हैं मुझको, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है, नहीं मालूम, किसने सिखाया, मम्मा ने सिखाया,
मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है, रेन रेन गो अवे, नहीं मालूम। किसने बताया? टीचर ने बताया। टीचर को पूछो, उनको भी अर्थ नहीं मालूम, तो रटाया क्यों फिर बच्चे को, अर्थ ही नहीं पता। फिर बच्चों को मैं बता दूं, देखो इसका अर्थ ये है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, मत आओ, क्योंकि मुझे खेलना है, माने छोटे बच्चे को खेलना है, इसलिए वो बारिश को कह रहा है बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब ये बच्चे कविता गा रहे हैं, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, मुझे खेलना है, और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में कविता है। करोड़ों बच्चों ने ये कविता गाई और ईश्वर ने सुन ली, तो बारिश को वापस बुला लिया तो क्या होने वाला है? बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो आप भी भूखे मरेंगे, मैं भी मरूंगा, किसान भी मरेंगे। इतनी अकल नहीं है हमको, ये रेन रेन गो अवे कितनी खतरनाक चीज है। हमारे भारत में 60% खेती बारिश पर होती है, 40% खेत में ही सिंचाई की व्यवस्था है। जब 60% खेती बारिश पर हो तो बारिश ज्यादा होनी चाहिए इस देश में, ऐसी कविताएं हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो कविताएं मातृभाषा में हो सकती हैं, अंग्रेजी में नहीं हो सकते। मैं एक मराठी मातृभाषा की कविता सुनाता हूं आपको, अर्थ बहुत सीधा है उसका। वो कविता है, ये रे पाउसा तोला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा। ये रे माने आओ आओ जल्दी जल्दी बारिश तुम आओ, पाउसा माने बारिश, मराठी में कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओ तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ क्योंकि मुझे बारिश की जरूरत है, क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है, क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है। तो भारतीय कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है, क्योंकि इंग्लैंड में मौसम खराब रहता है, कभी भी बारिश आती है, इसलिए वहां के बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं।